भिलाई शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने लगातार बाजार क्षेत्रों और दुकानों में निरीक्षण किया है, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने के साथ साथ जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसी तरमत्ते में 48 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 19,550 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही लगातार जिला प्रशासन ने लोगों को समझाइश दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। देखिए, प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भिलाई निगम जो है 1 जुलाई से कड़ाई से भिलाई शहर में ऐसे उपयोग के लिए जो है पालन कराने टीम का गठन माननीय आयुक्त महोदय ने किया है। माननीय महापौर जी ने भी प्लास्टिक को प्रतिबंधित प्लास्टिक के बहिष्कार करने की नागरिकों से अपील की है। इसी तारतम्य में जो है नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लगातार जो है प्रतिदिन 48 से 50 दुकानों में बाजार क्षेत्रों में अलग अलग टीम बनाकर